नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। यूपी और बिहार में इन दिनों एक अलग ही सियासत चल रहा है और उसकी वजह है राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद एक से बढ़कर एक सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल अब लाजमी है जो आपको जानना चाहिए 2024 के चुनाव के मद्देनज़र। दरअसल पूरे मामले को समझिए, इन दिनों मायावती हों, अरविंद केजरीवाल हों या फिर तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, ये सब के सब राहुल गांधी को क्यों समर्थन दे रहे हैं? और दूसरा कि राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांग कर क्या बहुत बड़ी गलती कर दी? चलिए दोनों सवालों को तलाशते हैं। दरअसल पूरा विपक्ष इन दिनों एकजुट होता नजर आ रहा है, राहुल गांधी को समर्थन देते नजर आ रहा है, चाहे वो मायावती हों, अरविंद केजरीवाल हों या अखिलेश यादव हों। अब इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि ये तमाम विपक्षी दल इसलिए राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आज राहुल गांधी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो कल उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। और तमाम लोगों का कहना, अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर कह दिया कि आज राहुल गांधी की बारी है, कल हमारी बारी है, तो यही मौका है कि हम एक साथ आ जाएं। चलिए बहरहाल इसी बहाने कम से कम ये लोग एकजुट तो हो गए, तो ये एक सवाल का जवाब हुआ जो आप जान रहे थे। दूसरा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे बीजेपी पड़ गई, उनकी आईटी सेल, उनकी पूरी टीम की माफ़ी मांगो राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेना चाहिए? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि भाई हम सावरकर नहीं हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे, हम झुकने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं, हमने कोई गलत नहीं कहा। चलिए ठीक है, यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पे एक पैच फंसता है, राहुल गांधी माफ़ी मांग सकते थे लेकिन राहुल गांधी के यहाँ ईगो का सवाल आ गया जिसकी वजह से वो माफ़ी नहीं मांग रहे। अब देखिए, उन्होंने गलत भी नहीं कहा, एक तरीके से माफ़ी नहीं मांगकर भी उन्होंने सही कहा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर और जुल्म कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा और जिस तरह से केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं, इस चीज़ों को देखकर लग रहा है कि राहुल गांधी सही थे। अब ऐसे वक्त में सवाल ये होगा कि क्या इतना होने के बाद जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या तो वो जाएंगे माफ़ी मांगने? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या मोदी जी उनको माफ़ कर देंगे? ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल इन माफियों के बीच में एक चीज़ तो समझ में आ गया कि विपक्ष भी जिस तरह से जुल्म उठाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में माफ़ी मांग लेना चाहिए? विपक्ष जो एक साथ आ रहा है, क्या बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी? कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। एक तबका ये भी कह रहा है कि ये तानाशाही है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।